रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न आने की अपील की है। लेकिन क्यों? इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। जी हाँ, आपको बता दें, राम मंदिर के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को आने के लिए मना किया है। दरअसल इसके पीछे की वजह है दोनों की उम्र और स्वास्थ्य। आपको बता दें, उन दोनों की उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए चंपत राय ने कहा है कि दोनों बुजुर्ग हैं, इसलिए उनसे न आने का अनुरोध किया गया है। चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी स्वास्थ्य और उम्र संबंधी कारणों के चलते उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। दोनों बुजुर्ग हैं, इसलिए उनकी उम्र को देखते हुए उनसे न आने का अनुरोध किया गया है, जिसे दोनों ने स्वीकार भी कर लिया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, आडवाणी जी का होना अनिवार्य है, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए हम कहेंगे कि वो कृपया ना आए। लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर बात करने के बाद चंपत राय ने मुरली मनोहर जोशी को लेकर कहा, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मेरी स्वयं बात हुई है, मैं उनसे फोन पर यही कहता रहा कि आप मत आइए, और वो जिद करते रहे कि मैं आऊंगा। मैं बार बार निवेदन करता रहा कि गुरुजी मत आइए, आपकी उम्र और सर्दी, आपने अभी घुटने भी बदलवाए हैं। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरुजी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊंगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं, 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊंगा। अब क्या करें? तो मैंने उनके लड़के को कहा, इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचे, और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना, मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? दरअसल चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर के शिलान्यास के समय 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे कि वो जरूर आएंगे। चंपत राय ने आगे कहा, मैंने उनके लड़के को कहा है कि उन्हें हाँ हाँ करते रहो, इस बारे में आखिरी दिन सोचा जाएगा, और आखिरी दिन हमने उन्हें कहा कि आपको नहीं आना है, उन्होंने ये बात मान ली। घर के बुजुर्गों को इसी तरह समझाया जाता है। आपको बता दें, 22 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान के रूप में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में सारी तैयारियां जल्द से जल्द पूरी की जा रही हैं। 18 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंपत राय ने राम मंदिर को लेकर कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया, पीएम मोदी ठीक 11 बजे जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेंगे, फिर 11:30 बजे तक भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचेंगे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।